सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, देख दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ करेंगे। मतलब गाइस, आप जानना चाहते हो कि अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन कैसे ऑफ करें। मतलब गाइस, जब भी आपके फ़ोन में किसी का कॉल आता है तो गाइस आपके फ़ोन में अगर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रहती है तो उसका नोटिफिकेशन ऊपर की साइड में आपको शो करता है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन गाइस, आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में किसी का कॉल आए और गाइस कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो, कॉल रिकॉर्ड भी हो, लेकिन उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने शो ना हो या फिर किसी को भी पता ना चले कि आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। कोई अगर दूसरा कोई पर्सन आपका फोन लेता है और जो है वो बात कहीं पर भी कॉल करके बात करता है और गाइस आप जानना चाहते हो कि आप जो है कॉल रिकॉर्ड हो जाए लेकिन नोटिफिकेशन उसके सामने ना आए, किसी को भी पता ना चले कि आपके फोन में जो कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो गाइस यहां पर कैसे आप जो है सेटिंग को ऑन करेंगे। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने फोन में जो है कॉल सेटिंग की जो नोटिफिकेशन जो रहती है, कॉल रिकॉर्डिंग की जो नोटिफिकेशन रहती है, उसे आप जो अपने फ़ोन में कैसे बंद करेंगे, तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए सबसे पहले जाना होगा अपने फ़ोन के डायलर पेड में। डायलर पेड में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर की साइड में जो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेटिंग वाला, ठीक है ना। गाइस, कई फ़ोन में क्या होता है कि यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन रहता है और किसी में यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी ऑप्शन मिले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉल सेटिंग, देख तो यहां पर आपकी जो कॉल सेटिंग रहेगी वो यहां पर ओपन हो जाएगी। अब गाइस आपको यहां पर क्या करना होगा, एक ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, तो यहां पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके जो कॉल रिकॉर्ड है, देख तो यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपकी जो भी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही है, इसके ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर गाइस देख तो आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन है। मतलब गाइस, कोई भी कॉल रिकॉर्ड होगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको शो होगी, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को शो नहीं करवाना, इस नोटिफिकेशन को हमें बंद करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेटिंग को यहाँ से जो है बंद करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये ब्लू वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ से ऑफ कर लेंगे। अब गाइस हमारे फ़ोन में किसी का भी कॉल आएगा और गाइस कॉल हमारी रिकॉर्ड होगी, लेकिन यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमें शो नहीं करेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। रिकॉर्ड हो चुकी है, उसका भी जो यहाँ पर नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलेगा। हम अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर में जाके कॉल रिकॉर्डिंग वाली फाइल में जाके देखेंगे तो हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फाइल हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।